हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से भाई भारती चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज देखिए मैंने बनाया मिर्च का अचार, बहुत ही मेरा फेवरेट अचार है, इसको मैं खाना बहुत पसंद करती हूँ। देखिए कैसे बनाए हैं। इसे बनाने के बाद एक जार में भर देंगे। देखिए ये जार हमारा आया था, इसमें ये डबल हनी का शीशी है। इसको जब डबल हनी ख़त्म हो गया तो हमने इसको इसको धो के इसको सुखा लिया और इसमें अचार भरने का काम आ रहा है। तो अभी बाहर लेने जाते कम से कम 25-30 रुपये तो आता ही है। 25-30 रुपये हमने सेव कर लिए हैं। और घर की देखभाल करने वाली स्त्रियों को हाउसवाइफ क्यों कहते हैं, उनको बोलना चाहिए मैनेजर, क्योंकि वो घर को सुबह से लेके सोने तक पूरा चीज़ मैनेज करती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना और वगैरह वगैरह पूरा दिन लगी रहती हैं। खैर छोड़िए, और इसको हम फ्रिज में ऐसे रख देंगे स्टोर करके, 1 महीने आप खाएं। तो बनाना शुरू करती हैं। देखिए हमने मिर्ची ले लिया, लहसुन और राई जिसको हम सरसों बोलते हैं। मिर्ची को हमने धो लिया था अच्छे से और सुखा लिया है। ये ले लिया हमने 3 से 4 पोटी लहसुन। लहसुन थोड़ा महंगा है ना, इसे थोड़ा कम डाल रहे हैं। और ले लिया थोड़ा सा सरसों, इसको राई भी बोलते हैं। तब इन तीन चीज़ से बनने वाला है। तो इसको देखो, मिर्ची को हम बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सभी मिर्ची को हम काट लेंगे इस तरीके से। इसको मैंने पहले धो के सुखा लिया था मिर्ची को। मिर्ची तो कई प्रकार का आती है, पर मुझे ये वाली मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा तीखी रहती है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। एक मिर्ची तो कई प्रकार का आती है, जो बहुत ग्रीन होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। थोड़ा ये कम ग्रीन है, थोड़ा उससे कम तीखी है। तो देखिए हमारी मिर्ची कट चुकी है, अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ले लिए हमने फ्राई पैन, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, सरसों का मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। इसमें डाल देंगे हम लहसुन थोड़ा दरदरा कूट के, और साथ में डाल देंगे हम यहाँ पीसी हुई सरसों। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इनको 2 से 3 मिनट भूनना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे मिर्ची जो हमने काटे थे उसको। वो हल्दी डालने से थोड़ा कलर अच्छा जाता है। बस इसको हम अच्छे से चला लेंगे, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक दूसरे से। देखिए इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करना है। और इसको धीमी आंच पे हम 10 मिनट पकाएंगे। जैसे जैसे पकेगा ऐसा कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ डाल देंगे थोड़ा स्वादानुसार नमक, थोड़ा इसमें अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा ही लगता है, थोड़ा सा सब्जी के अकॉर्डिंग। तो देखिए इनको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और इनको बीच बीच में हमें थोड़ा देखते रहना है, लगे ना। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए अब इनको हम ढक के पका लेंगे 10 मिनट लिए। बीच में एक बार हम और चेक कर लेंगे ताकि लगे ना, एक बार और चला लेंगे इसको हम। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, हल्का हल्का भी। और इसको एक बार और ढक के हम पका लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए कलर कितना चेंज हो गया, अलग हो गया एकदम। अब ये बन के रेडी हो गया है। अब इसको आप खा सकते हैं। और ठंडा कर लेंगे इसको, और ठंडा करके हम बर्तन में भर लेंगे। तो देखिए हमारा अचार बन के रेडी हो गया है। देखिए तो इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो प्लीज़ गाइस, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।